नमस्कार, मैं इति यूथ की आवाज से, और आज हमारे साथ है वाईके यूजर सुमित चौहान। सुमित पेशे से पत्रकार है और साथ में वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया में वो दलित इश्यूज को लेकर काफी कुछ लिखते हैं और बेबाकी से लिखते हैं। आप यूथ की आवाज पर भी सुमित का आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जिसमें उन्होंने दलितों की अलग अलग समस्याओं पर अपनी बात रखी है। हमने इनका सुमित का प्रोफाइल शेयर भी किया है, आप उसको क्लिक करके उनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। फिलहाल सुमित हमारे साथ है और आज हम दलितों के लिए जो वर्तमान समय है उस पर सुमित से चर्चा करेंगे, और साथ ही सुमित से हम पूछेंगे कि वाईके पर लिखने का उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सुमित, शुरुआत यहां से करते कि भारत में कभी भी दलितों के लिए एक पॉजिटिव माहौल नहीं माना गया है, उन्हें हमेशा से संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसा क्या हो रहा है कि एक बहस छिड़ गई है कि आज का जो समय है, आज का जो दौर है, वो दलितों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण और काफी संघर्ष भरा हो गया है। सबसे पहले आप सब दर्शकों को नमस्कार, युद्ध की आवाज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इति दलितों के लिहाज से अगर हम देखें तो जब से ये हिंदू धर्म की स्थापना हुई है या इंसान ने थोड़ा सा सभ्य होना सीखा है तो भारत में जाति व्यवस्था रही है, तो दलितों के लिए कभी माहौल बहुत अच्छा नहीं रहा। वो हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं, हमेशा से लड़ते रहे हैं। उनको जो कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता, कोई और संपत्ति अर्जित नहीं करने दिया जाता, तो ये इतिहास का एक लंबा चरण रहा है। फिलहाल क्योंकि बीजेपी की सत्ता है और देश के बहुत सारे राज्यों में, करीब 16-17 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो जो उनकी कट्टर एक सोच है कि हिंदुत्व का ही उनका एक छवि है और उनका एक कोर वोट है जो सवर्ण है, उनकी मानसिकता उनके काम में झलकती है। आप यदि आंकड़ों के लिहाज से समझे तो जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे दलितों पे अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, तो उनके पीछे वही सोच काम करती है। अभी आप एनसीआरबी ने पिछले साल के डेटा जारी किया तो हर एक 4 घंटे में जो है एक जो घटना है दलितों के साथ, चाहे वो मारपीट हो, उत्पीड़न हो, बलात्कार हो या दूसरे तरीके के जातीय भेदभाव हो, उनके साथ होती है। तो एक साल में करीब 40,000 घटनाएं दलितों के साथ होती हैं और ये वो घटनाएं हैं जो रिपोर्ट हो जाती हैं। ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएं होंगी जो नहीं होती हैं। तो बीजेपी की क्योंकि सरकार है और उनकी मानसिकता में उनके नेता जो हैं वो बोलते हैं, वो उनके विधायक जो हैं, एक उन्होंने बयान दिया कि जो भी दलितों को पीटा है ऊना में वो सही है, अच्छा किया, क्योंकि वो गाय को मार रहे थे तो पीट दिया। अरे आपने मतलब कोई सभ्यता है ही नहीं आपके बीच में कि आप किस तरीके से बोलने की पीट देंगे, मार देंगे। जब उनके नेता ऐसे बयान बोलते हैं, वीके सिंह ने बोला कि कुत्ता भी मर जाता है तो हमें दुख होता है, तो ये मानसिकता ऐसी है इन लोगों की जो अंदर बैठे हुए हैं उसमें वो झलकता है। लेकिन सुमित, कई लोगों का ये भी कहना है कि घटनाएं तो पहले भी हो रही थी, अभी चूंकि सोशल मीडिया काफी एक्टिव हो चुका है और दलितों के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से देखा जा रहा है, तो ये घटनाएं अभी के वक्त में हाईलाइट हो जा रही है, इसमें किसी गवर्नमेंट को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार की ही, जो आप बीजेपी गवर्नमेंट को जो आप इसमें बोल रहे कि उनके सत्ता में आने के बाद से ऐसी घटनाएं ज्यादा हो रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सोशल मीडिया के, चाहे आप सोशल मीडिया के आने का, मीडिया जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी भी नजर उस तरफ जा रही है, वजह ये रही है। इति सोशल मीडिया हाल ही के 5 साल में मुझे लगता है ज़्यादा पॉपुलर हुआ इंडिया में, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन आंकड़े जो हैं, एनसीआरबी जो डेटा कलेक्ट करता है वो सालों से करता हुआ आ रहा है, तो जब आंकड़े बयां करते हैं कि अत्याचार ज़्यादा हुआ है, गुजरात में सबसे ज़्यादा दलितों पर उत्पीड़न के मामले हुए हैं, फिर यूपी में बढ़ा है, तो मैं सोशल मीडिया को कैसे दोष दूं या मैं उसको कैसे बात बोलूं कि पुरानी सरकारों में भी बहुत ज़्यादा होते थे। डेफिनेटली होते थे, लेकिन सत्ता अब आपकी है तो मैं सवाल किससे करूंगा। आपने बोला था कि हम आएंगे सरकार में तो हम ये करेंगे, हम लोगों का भला करेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो उसमें मेरा विकास कहां है, मेरा साथ कहां है, मुझे आप साथ लेके चलना चाहते हैं? सोशल मीडिया के आने से एक जरूर बदलाव आया है कि अब कोई एक घटना जो है वो इकलौती नहीं रह जाती है। अब ऊना में दलितों को पीटा गया तो चेन्नई में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। रोहित वेमुला आज उनकी वो, मैं तो उसको सांस्थानिक हत्या कहता हूँ, आत्महत्या नहीं कहता हूँ, उनके इंस्टीट्यूशनल मर्डर का आज दूसरा बरसी है, तो वो वहां हुआ हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, लेकिन दिल्ली में जो है हम लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किए।
तो ये सोशल मीडिया की पावर है कि अब जो है, पहले मुझे लगता था जब मैं स्कूल में था कॉलेज में था कि यार मैं, मेरे साथ जो हो रहा है ना वो शायद मेरे साथ ही हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, और भी हैं, लाखों लोग हैं, और जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं, मेरे साथ हो रहा है वो लाखों लोगों के साथ हो रहा है। तो एक मुझे जो है ना लार्जर रिस्पेक्ट मिल रहा है कि मैं लोगों के साथ अपनी बात शेयर कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ। तो सोशल मीडिया से वो पावर तो डेफिनेटली मिली है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में दलितों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दिया। मैं खुद एक पत्रकार हूं तो अनुभव से बताता हूं आपको। लाखों लोग दिल्ली में जुटते हैं, चंद्रशेखर जो गिरफ्तार हुआ उसके खिलाफ 1-1.5 लाख लोग दिल्ली में जुटे, लेकिन किसी मीडिया हाउस ने उसको कवर नहीं किया। मतलब सरकार से और मीडिया दोनों से जो दलितों की उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। डेफिनेटली। तो अभी जो भी ऊना की घटनाएं हुई और अभी हाल ही में भीमा कोरेगांव की जो घटना थी, तो आपको क्या लगता है ये जो लगातार दलित विरोधी घटनाएं चल रही हैं या फिर दलित विरोधी लहर भी कह सकते हैं आप, उसके पीछे क्या कोई सेट प्लान तरीके से उसको किया जा रहा है? इसके पीछे कोई प्री प्लान तरीका है? देखो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनका अपना सा रहता है कि उनके सारे हथकंडे हैं, उनको किसको साथ लेके चलना है, किसको नहीं लेके चलना है। बीजेपी का मुझे लगता है कि अब ये ना इसके साथ ऐसा हो गया कि गले में अटक गया है इसके मामला, कि वो उसको निगल भी नहीं सकता है, वो उसको उगल भी नहीं सकता है, कि उनको दलितों को भी दिखाना है कि हम देखिए आपके हितैषी हैं, हमने 200 करोड़ में बाबा साहब का स्मारक बना दिया, हमने ये बना दिया, तो दलित राष्ट्रपति हम लोगों ने बना दिया, तो उनको ये भी दिखाना है। लेकिन साथ ही साथ जो उनका कोर वोट है कि मुझे सवर्णों को साथ लेके चलना है, उनके ऊपर असर ना हो जाए, तो वो भी चलना है। अब जो आरएसएस है, अब भीमा कोरेगांव में जो अटैक हुआ, जो संभाजी भिड़े हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन का सीधे तौर पे नाम आया है, उनके खिलाफ एफआईआर है, तो जो संघ के लोग हैं उनके नामजद हैं, वो एफआईआर हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग जो हैं ये इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो हम किसको दोष दें? संघ का और बीजेपी का जो है, मुझे लगता है गर्भनाल का जो है इनका कनेक्शन है, इनको अलग नहीं किया जा सकता कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी उससे अलग है, ये दोनों एक ही जैसे हैं। और क्योंकि अब दलित बोल रहा है, बोलता हुआ दलित ना किसी को बर्दाश्त नहीं है। अब इनका क्या है ना कि ये कहते हैं कि जातिवाद बना रहे, जातियां बनी रहे, लेकिन वो मतलब ठीक है, अब मिलजुल के काम कर लो, रह लो, सब नौकरियां कर लो, सब करो, लेकिन जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहते। ये एक है मानसिकता आपने इसके पीछे। भीमा कोरेगांव वाली बात उठाई, तो आपने वाईके पर एक आर्टिकल लिखा था भीमा कोरेगांव को लेकर, और कई बार ये लोग इल्जाम लगाते हैं और कई बार ये सही भी होता है कि हम आज कल पढ़ते नहीं है किसी विषय पर और चर्चा शुरू कर देते ठीक हैं। ठीक तो आपने जब अपने वॉल पे इसको शेयर किया था अपनी एक आर्टिकल, तो आपके वो एक कमेंट था एक लिंक के साथ था कि ये जो घटना हुई थी इसमें महारो की जीत नहीं हुई थी, ये आपने गलत फैक्ट किया है। दि वायर में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें लिखा था कि जब अंबेडकर के ने भीमा कोरेगांव युद्ध को पेशवाओं के उत्पीड़न के खिलाफ महारों के संघर्ष के रूप में पेश किया, तब वे असल में एक मिथक रच रहे थे। विकिपीडिया में भी ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि वहां महारों की जीत नहीं हुई थी, बल्कि अंग्रेजों सॉरी मराठों को ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि अंग्रेजों की एक बड़ी सेना आ रही है और वो उस वजह से पीछे हट गए थे। तो यहाँ पे आपने जो भी लिखी है बात या फिर फैक्ट की जो अलग अलग जगह इन्फॉर्मेशन है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक ऐतिहासिक घटना होती है तो उसके कई सारे नैरेटिव भी होते हैं। आपने हल्दीघाटी के बारे में सुना होगा कि महाराणा प्रताप को राजस्थान की किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि उन्होंने वो जीत लिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो किसी भी एक हिस्टोरिकल इवेंट के डिफरेंट नैरेटिव्स होते हैं। तो भीमा कोरे गांव में अगर आपको या दूसरे लोगों को लगता है कि वो जो मिथक रचा है डॉक्टर अम्बेडकर ने या दूसरे लोगों ने, तो अंग्रेज जो थे उनको दलितों से या दूसरी जाति के लोगों से कोई विशेष महत्व तो था नहीं कि उनको कुछ विशेष फायदा उठाना है, वो तो राज कर अपना अच्छे से राज कर रहे थे। तो उन्होंने इतना बड़ा स्मारक क्यों बनाया? उस स्मारक को बनाकर उन्होंने उस पे नाम क्यों लिखे उन सोल्जर्स के जो वो वॉरियर्स वहां पे लड़े थे? ब्रिटिश हिस्ट्री में जो उनकी हिस्ट्री है उसमें बैटल ऑफ कोरेगांव को सबसे हिस्टोरिकल उन्होंने माना है कि वो एक मतलब ग्रेट बैटल ऑफ द हिस्ट्री है, उन्होंने अपने इतिहास में लिखा है इस चीज को। तो अंग्रेजों ने ये बात क्यों लिखी? अगर वो इतिहास मिथक था तो उन्होंने क्यों रचा? और उन्होंने तो ये बात लिखी है कि वो महार रेजिमेंट ने हराया था। महार रेजिमेंट क्योंकि नाम से ही क्लियर है कि सिर्फ महार ही उसमें शामिल होंगे, बाकी लोग तो शामिल थे नहीं। तो ये डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, और मुझे लगता है कि अगर भीमा कोरेगांव के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा है बेसिकली कि ये तो अंग्रेजों की जीत थी, ये तो मराठाओं के खिलाफ अंग्रेजों ने जीता था, लेकिन असल में वो मराठाओं के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, वो पेशवा के खिलाफ लड़ाई थी। पेशवा बेसिकली मराठा का एक तरीके से प्रधान
प्रधानमंत्री तरीके का पद होता था कि वो उसके नाम पे मराठा के नाम पे वो चलाते थे, और उस दौरान इतना अत्याचार पेशवाओं ने किया था कि मनुस्मृति को उन्होंने पूरे तरीके से लागू किया वहाँ पे। इसके हिस्टोरिकल एविडेंस भी हैं कि उन्होंने जो है गले में हांडिया टांगने के लिए बोला, झाड़ू बांधने के लिए बोला, और तमाम तरीके के डिफरेंट इतिहासकारों ने अपने अपने इस पर नैरेटिव दिए हैं। तो जब महारो को ये मौका मिला कि ये सामने जो हैं वो पेशवा हैं जिन्होंने हमें कभी पानी पीने नहीं दिया, कभी गली से निकलने नहीं दिया। कहते हैं कि उस समय पे जब उनकी परछाई लंबी होती थी सुबह या शाम के समय, तो दलितों को निकलने नहीं दिया जाता था। कहते थे कि दोपहर में निकलिए। तो वो गुस्सा था, वो नफरत थी महारों के दिल में पेशवाओं के खिलाफ, कि जब उनको मौका मिला तो वो टूट पड़े। और उस लड़ाई का सबसे बड़ा एविडेंस भीमा कोरेगांव का वो मेमोरियल है जो कि अंग्रेजों ने बनाया, दलितों ने या डॉक्टर अम्बेडकर ने तो नहीं बनाया उसको। दलितों की जो स्थिति की बात करते हैं, आजकल खास करके सोशल मीडिया में काफी डिस्कशन चलता है, अगर आप दलितों के मुद्दे पे अगर कुछ लिखते हैं या फिर आरक्षण के मुद्दे पे, कि जो हुआ वो पहले हुआ करता था, आज के समय में दलितों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो आप खुद एक उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या आज का समय बदला है या फिर स्थिति आज भी वैसी ही है? बदलाव तो आया है, मैं इस बात को नहीं नकार सकता कि बदलाव नहीं आया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण की जो सबसे बड़ा हथियार दिया है दलितों को, उसका सकारात्मक बदलाव आया है। लेकिन एक दुष्प्रचार आरक्षण के खिलाफ जो है वो लगातार किया जा रहा है। आप सोचिए कि हजारों साल तक आपका उत्पीड़न हुआ है, भारतीय रिटर्न जो हिस्ट्री है वो दिखाती है कि 5000 साल से ज़्यादा जो है आपको वो उत्पीड़न और तमाम मुश्किलें सहनी पड़ी, उसके बदले में आपने जो है हमें आरक्षण दिया, और आरक्षण का फायदा किसको मिला है? वो हम लोगों को बहुत कोई लार्जर रिस्पेक्ट में आरक्षण नहीं मिला है। आज के दिन जो है लोकल जो छोटे क्लर्क हैं या फिर सेक्रेटरी टाइप की पोस्ट्स हैं या फिर जो बहुत ही बड़े पद हैं, आप पीएमओ में देखिए एक भी दलित नहीं है, जितने मंत्रालय उनमें एक भी दलित सेक्रेटरी नहीं है, बड़े पद पे तो है नहीं सब लोग। तो आरक्षण के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार हो रहा है, और मुझे लगता है कि आरक्षण को समझना सबसे पहले जरूरी है कि आरक्षण आपको दिया क्यों गया, क्योंकि आपको वो हक नहीं दिया गया था, आपको वो वैल्यू नहीं था आपका, और इसलिए आपको एक पुश दिया गया कि ना आप जो हैं एक बच्चे को आप दौड़ने के लिए बोलेंगे और एक बड़े को दौड़ने के लिए बोलेंगे तो फर्क है, आप दोनों को इक्वल लाने के लिए जो है कुछ एफर्ट्स करेंगे ना, तो वो एक एफर्ट्स था। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि आपको सामाजिक समानता, बिल्कुल ये कोई गरीबी दूर करने का कार्यक्रम नहीं है कि मुझे आरक्षण मिल गया तो मेरी गरीबी दूर होगी। उसके लिए बीपीएल योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, 2 रुपए किलो चावल राशन मिलता है, तो वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये है आपकी भागीदारी की गारंटी कि आप जब 100 लोग खड़े होंगे ना कहीं पे, तो वहां पे मेरी गारंटी है, मैं रहूंगा, मेरी भागीदारी जरूरी है, क्योंकि मेरी भी जरूरत है इस देश में, इस राष्ट्र निर्माण में मेरा भी योगदान है। तो आरक्षण ये व्यवस्था है। सुमित, आज रोहित वेमुला की आत्महत्या को 2 साल हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद जो कैंपस में दलितों के जो सोशल इंक्लूजन की पे क्या बहस छिड़ पाई है, क्या ये एक मुद्दा बन पाया है? इतनी मैं इसको आत्महत्या नहीं मानता हूँ, मैं इसको संस्थानिक हत्या मानता हूँ। इट्स अ इंस्टीट्यूशनल मर्डर एक्चुअली, कि जब आपके वीसी और आपके केंद्रीय मंत्री जो हैं वो आपको प्रताड़ित करें, उसके बाद आप आत्महत्या जैसा कदम करें, तो ये हत्या है। लेकिन रोहित वेमुला की इस इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद भी हालात कोई बदले नहीं हैं। आपको मैं ताज़ा उदाहरण बताऊं कि पिछले हफ्ते ही जो है अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज है, वहां पे डॉक्टर मरीराज नाम से एक जूनियर डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली, उनको बचा लिया गया। जब उनको पूछा कि तुमने गोलियां क्यों खाई, तो उसने बताया कि मेरे जो कलीग हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, वो मुझे कोई भी डॉक्टर वाला काम नहीं करने देते, मुझसे चाय मंगवाते हैं, मुझसे पानी मंगवाते हैं, मेरे ऊपर जो है जातिवादी कमेंट करते हैं। उस डिप्रेशन में मैंने जो है ये कदम उठाया। तो आप सोचिए, कोई बदलाव तो आया नहीं है, मतलब अभी भी ऐसा ही है। स्टूडेंट्स को नहीं, प्रोफेसर को भी है, वो उनके जाति का लेकर वो चीजें झेलनी पड़ रही है। डेफिनेटली इसमें एक बार था कि दिल्ली में जो सफदरजंग कॉलेज है उसमें मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो शेड्यूल कास्ट वाले थे, रिजर्वेशन वाले थे, वो लगातार जो है उनको फेल कर दिया जा रहा था एक प्रोफेसर की तरफ से, मिश्रा जी कोई थे, वो लगातार उनको फेल करते जा रहे थे। तो ये हुआ कि बाकी पेपर्स में सब पास करते जा रहे हैं, इसी के पेपर में कैसे फेल हो रहे हैं। 3-4 बार उसने किया, तो उन लड़कों ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जो है अपील किया, और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पे एक सेपरेट जो है इंस्टीट्यूशन किसी बॉडी ने उनका एग्जाम कंडक्ट किया, और वो सारे बच्चे पास कर गए। जी जी।
तो ये क्या दिखाता है कि जो मानसिकता थी उस व्यक्ति की, वो उसको जो है लगातार टॉर्चर करने की और आपको आगे ना बढ़ने की कोशिश थी, तो कैंपस में अभी भी वो चीजें जारी हैं। बिल्कुल सही है। सुमित, आप सोशल मीडिया पे दलितों के मुद्दों पे काफी लिखते हैं, और दलित के इन विषयों पे जब आप लिखते हैं तो आपको ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा होता है तो हेटर्स को आप कैसे टैकल करते हैं? सोशल मीडिया पे एक्चुअली कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पे कोई भी आ सकता है, आपके बारे में कुछ भी लिख सकता है। तो जब भी मैं ऐसा लिखता हूँ कुछ भी, तो दूसरे लोगों के तो बाद में आता है, पहले जो मेरे दोस्त, अच्छे वाले दोस्त हैं, वही एक अजीब सी छवि बना लेते हैं और वही उल्टी सीधी बातें लिखने लग जाते हैं। तो ट्रोल्स तो डेफिनेटली करते हैं, और कुछ मुझे लगता है कि कुछ लोगों को यही काम है जो खाली बैठे हुए हैं, क्योंकि नौकरियां तो मिल नहीं रही हैं हमारे देश में, तो जितने लोग बैठे हुए हैं बेरोजगार, वो सोशल मीडिया पे, अब तो फ्री इंटरनेट मिलता है, तो दिन भर ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। तो मैं उनको या तो ब्लॉक कर देता हूँ या फिर इग्नोर कर देता मतलब हूँ, ज्यादा क्योंकि तवज्जो आप नहीं मैं देते तवज्जो हैं। नहीं देता हूँ, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो यूजलेस है और वो आपके लिए डिस्टर्बिंग है। हर सवाल का आप जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आप उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, जी आपको बिल्कुल। कंटेंट देना पड़ेगा, आपको पॉइंट्स देने पड़ेंगे, और वो उनसे फर्क बहुत ज्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि वो अपनी एक उस पर लाइन पे चल रहे हैं। तो मैं तो इग्नोर करता हूँ, बेस्ट ऑप्शन है कि इग्नोर दें। अभी दलितों के राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रद्रोह वाली जो चीजें हैं उस पर लेके काफी सवाल उठाया जा रहा है। भीमा कोरेगांव की भी जो घटना हुई उसके बाद कई लोगों ने उनके राष्ट्र प्रेम को लेके सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो भी महार थे वो राष्ट्रद्रोही थे, ऐसी भी चीजें कही गई उनके बारे में। साथ ही साथ हिंदू बनाम दलित एक लहर चल गई है, तो इस पर क्या आपको लगता है कि ये बात की जानी चाहिए या फिर ये इसको तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए इन सब बातों को? नहीं, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, इसको डेफिनेटली इसको महत्व दिया जाना चाहिए कि एक जो दुष्प्रचार है कि जो दलित हैं वो तो राष्ट्र विरोधी जी हरकतें जी कर रहे हैं, जी है ना, उनका राष्ट्रवाद जो है वो तो अलग तरीके का है। क्या आप एक दलित इंडिया बनाना चाहते हैं? कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी आप जो है दलित इंडिया बनाना चाहते हैं। नहीं, हम तो इंडिया बना चुके हैं, हमें उसमें इक्वलिटी चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हमें समानता चाहिए एक्चुअली में। तो ये अगर कहते हैं कि दलितों ने जो है देशद्रोह किया उस समय पे, भैया क्या 1947 से पहले कोई भारत नाम की कोई एंटिटी थी? क्या कोई ये भौगोलिक इकाई था जिसमें हम एक राष्ट्र के रूप में मानते थे? ब्रिटिश इंडिया से पहले क्या था यहाँ पे? कितनी सारी रियासतें थी, तमाम अपने लॉ थे, अपने कानून थे। तो अगर उस समय पे जब आप उनको पानी नहीं पीने देते थे, आप उनको धूप में निकलने नहीं देते थे, उस समय पे कोई कैसे बोलेगा कि मेरे अंदर राष्ट्र भावना आएगी, मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति बनेगी? तो वो तो जाएंगे अंग्रेजों के पास में, अंग्रेज कह रहा है कि आइए मैं आपको वर्दी अच्छा, दे रहा वहां उनको हूँ, सम्मान मिल मैं रहा आपको था। वर्दी दे रहा हूँ, मैं आपको क्वार्टर दे रहा हूँ रहने के लिए, मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ हर महीने की, आप आइए, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? और उस समय पे नेशनलिज्म नाम का कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि आपके हर किसी के अंदर कूट के नेशनलिज्म भर दिया जाए। आज भी बहुत सारे लोगों में नहीं है। तो वो कहते हैं कि दलितों ने क्या कर लिया? भैया माता दीन भंगी को आप कैसे भूल गए, उदा देवी सिंह पासी को कैसे भूल गए, आप झलकारी देवी को कैसे भूल गए, आप शहीद उधम सिंह को कैसे भूल गए जो इतना दूर जाके उन्होंने बदला लिया? आप ये कैसे कह सकते हैं कि दलितों का जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है देश के उसमें? जितने बड़े इवेंट हुए सब में दलितों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और देश के विरोधी कौन है? यहाँ आप ये कह सकते कि आप ये कह सकते कि आप इतिहास पे भी ध्यान दे। डेफिनेटली। और आज के दिन भी मैं ये आपको बताऊं इति कि दलितों ने, अब तुम ये देखो कि हम देश में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जो हमारा रोल है वो अच्छे से करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तमाम चीजों का ध्यान रखते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। देश में जितने भी घोटाले आज तक हुए हैं, क्या कोई दलित उसमें आया है? सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे कौन था जो घोटाले हुए हैं? सारे तो ये सवर्ण लोग थे जिन्होंने घोटाले किए हैं। तो सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? नहीं, खैर, जिन्होंने यहाँ जिन्होंने कौन किया देशद्रोही जिन्होंने है जिन्होंने और किया देश का नुकसान किया, कौन? वो देशद्रोही है ना कि हम लोग देशद्रोही हैं? हम लोग तो कंट्रीब्यूट करते हैं। सारे कला के क्षेत्र में आप देखिए, जितनी जितनी भारतीय चीजें बनी हुई हैं सब तो दलितों ने बनाई है। भैया आप तो बैठे हुए थे, हम लोगों ने बनाया ना सब चीजें। खैर, कौन देशद्रोही है कौन राष्ट्र, अलग बहुत कंट्रोवर्शियल विवाद है। आपने एक आर्टिकल लिखा था अभी कुछ दिन पहले, एक दलितों के मूंछ को लेकर एक अभियान चला, क्योंकि जो घटना घटी एक दलित मूंछ रखने की वजह से उसको पीटा गया और काफी दलितों ने सेल्फी मूंछ के साथ लेके डाली। आपने भी एक आर्टिकल लिखा, तो एक दलित होते हुए आपका जीवन कैसा रहा? क्या कुछ ऐसी चुनौतियों का आपको भी सामना पड़ा या फिर आपके लिए बिल्कुल सिंपल था? नहीं,
यहाँ भारतीय समाज जो है ना इतनी दलितों को लेके एक स्टीरियोटाइपिंग में जीता है कि वो जो है ना एकदम ऐसे होंगे कि उनको देखते ही आपको दया की भावना आ जाएगी, एकदम गिड़गिड़ाते से हुए गरीब से मैले कुचले से होंगे और आपको देखते एकदम से दया आ जाएगी उनके ऊपर। दलितों को क्या यही आपकी परिभाषा में है? वो क्या हक से जी नहीं सकते हैं? वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं? वो अच्छी गाड़ी में फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो ये माहौल पे जो है दिमाग पे चश्मा लगा के लोग दलितों को ऐसे ही देखते हैं, और जब कोई उससे बढ़ चढ़ के आगे दिखता है, बढ़ के लेके आता है, तो कहते हैं तुम किस एंगल से दलित दिखते हो? भैया दलित को स्टैंप लगा के चलूँ मैं अपने ऊपर कि मैं इस एंगल से दलित दिखता हूँ? तो ये बहुत ही विचित्र सी मानसिकता है लोगों के बीच में कि नहीं नहीं ये तो लगता ही नहीं है दलित जैसा, अरे भैया तुम इंजेक्शन लगा दो मेरे, दलित वाला समझ ही नहीं आता तुम क्या कहना चाहते हो। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है दलित होने के नाते जो मुझे सहना पड़ा, बहुत सारे इवेंट्स हैं, मैं अगर बताना चाहूँ तो लंबा हमारा डिस्कशन जाएगा। एक इवेंट मैं आपको बताता हूँ कि मैं 10वीं क्लास में था, मैं अपने बगल के गाँव में गया और वो मेरे मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, अभी तो एयरफोर्स में हैं, तो वो मुझे अपने घर ले गए, कुछ नोट्स वोट्स हम इन लोगों को एक्सचेंज करने थे। और जब मैं उनके घर से आ गया बाहर, तो मुझे बाद में कुछ साल बाद पता चला, उस समय तो उसने नहीं बताया था, कि जब मैं जिस खाट पे बैठा था वो और जिस इलाके में मैं बैठा था उनके कमरे में, उसके इलाके उस घर कमरे को उस खाट को उनके घर वालों ने गंगा जल से धोया। और मैं ये कोई मिथ नहीं है, जिसको चाहिए मैं नाम बता दूंगा उनसे, आप पूछ लेना। तो नहीं, उन्होंने ऐसी गंगा घटनाएं जल से होती धोया हैं। उस चीज को। और अभी पिछले दिनों मेरे भाई जो हैं गांव में ही एक शादी में जाने वाले थे, तो शगुन के नाम पे कुछ देने वाले थे, तो उन्होंने रोक दिया, कहते नहीं नहीं हम तुम्हारा नहीं लेंगे। तो ये हर तरीके की चीजें हम लोग हाँ, झेलते हैं, बताने लगे तो बहुत सारे इवेंट्स हैं। खैर ये ऐसा मुद्दा है जिस पे हम अगर बात करना चाहें तो हाँ घंटों बात चलेगी। बिल्कुल सर। आप लोगों को जाते जाते एक बात बता दे कि आज के दौर में जब अंतर धार्मिक विवाह को सीधे लव जिहाद की घटना बता दी जाती है, उस दौर में सुमित दलित है और उन्होंने एक मुस्लिम से शादी की है, और सिर्फ शादी ही नहीं की है बल्कि सोशल मीडिया में प्रेम विवाह को काफी प्रमोट कर रहे। प्रमोट इसलिए कर रहे कि आज के डेट में उनको लगता है कि ये इस तरह के प्रेम विवाह बहुत जरूरी है, और सुमित ने शायद दो शादियां भी करवाई हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। तो आज के दौर में आप युवाओं जो हमारी यंग जनरेशन है उनको अंतर जातीय विवाह, अंतर धार्मिक विवाह और इस प्रेम मोहब्बत के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे दुनिया में जो उम्मीद है, सबसे ज्यादा उम्मीद आप किसी चीज से कर सकते हैं, तो वो है प्यार। जी अगर प्यार मोहब्बत है तो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। ये हमारे मुद्दे हैं, हम इस पे बहस करते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, वो जरूरी हैं, लेकिन हम इस समाज का ही हिस्सा हैं। हम ऐसा नहीं कि मैं दलित हूं तो मैं जाके अलग देश बना लूंगा कहीं पे, मुझे यहीं रहना है आप लोगों के साथ में और आप ही से मेरा संपर्क होगा। तो इसको, कड़वाहट को मिटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपस में शादियां हों, आपस में आप घर जाएं, आपस में आपका रोटी बेटी का संबंध हो, आप उनके घर खाना खाएं, वो आपके घर आके खाना खाएं, तभी तो ये कड़वाहट मिटेगी। इसीलिए हम, मैं और मेरी जो पत्नी है अजरा, पत्नी तो क्या मेरी पार्टनर है, एक्चुअली पत्नी तो नहीं है, हम लोग ऐसे ही कपल्स को प्रमोट करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं कि आपको शादी करनी हो तो उसकी सहायता करते हैं कुछ इस तरीके से। तो हम इसी को लेके जो माहौल है आजकल नफरत वाला फैलाया जा रहा है कि तो लव जिहाद कर लिया, तो पैसे लेके उसने उसको बरगला दिया, उसका ये करा दिया, मतलब धर्म में तो फिर भी एक है कि आप धर्म से दूसरे धर्म में जा सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में तो एक एक जाति से दूसरी जाति में जा ही नहीं नहीं जा सकते सकते हैं। हैं वो मतलब सब यूनिक कास्ट है। हाँ, भी। आप उसमें शादियां नहीं कर हाँ सकते हैं। तो हम लोग इसलिए प्रमोट करते हैं कि आपस में शादियां हों जी और ये कड़वाहट कम हो। तो उसमें हम लोग, मतलब मैंने पिछले दो नहीं चार शादियां करा चुका हूँ पिछले साल में, तो उसमें ब्राह्मण लड़के की और दलित लड़की की हम लोगों ने शादी कराई है, और एक दलित लड़की, एक ब्राह्मण लड़की की एक दलित लड़के से शादी कराई है, दो हिंदू मुस्लिम की शादी कराई है। तो प्यार होगा तो डेफिनेटली सब खत्म हो जाएगा। मतलब तो ये भी एक तरीका है नफरत हमारा। को कम करने के लिए प्रेम बहुत बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल तो सुमित और अजरा की तरह आप भी खुलकर प्यार कीजिए, प्यार बांटिए और यूथ की आवाज पर लिखते रहिए, पब्लिश करते रहिए, पढ़ते रहिए। सुमित, आपका यहाँ आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू।